देखो अभी हम देखेंगे फ्रस्टम। फ्रस्टम एक ऐसा 3D फिगर है सिलेंडर की तरह, बट वो यूनिफॉर्म नहीं होता, कुछ इस तरीके से होता है। हम उसमें एक रेडियस जो है वो छोटा होता है, एक रेडियस बड़ा होता है, ठीक है। हम जितने भी काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें देखते हैं जो सिलेंड्रिकल शेप के नहीं होते बट रादर फ्रस्टम शेप के होते हैं, जैसे कि अगर बकेट देख लें तो बकेट इस तरीके का होता है, हमारा ग्लास जो होता है ग्लास टम्बलर वो इस तरीके का होता है फ्रस्टम शेप का, ठीक है। तो ये देखो ये फ्रस्टम शेप कहलाते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला सर्कल जो होता है, एक सर्कल बड़ा होता है एक सर्कल छोटा होता है। इस सॉलिड फिगर का अगर हमें कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम या टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए तो हम कौन से फॉर्मूलेस लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जो होता है वो होता है पाई एल आर प्लस आर। अब देखो ये एल होती है स्लांट हाइट इसकी, और ये हाइट, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज हाइट, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया इसका होता है पाई एल बिग रेडियस प्लस स्मॉल रेडियस। अब अगर हम इसमें, वैसे कोन का आपने जो देखा होगा, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है, तो उसके हिसाब से आप इसको लर्न कर सकते हो कि पाई आर एल, आर में यहाँ पे चूंकि दोनों रेडियसेस हैं तो आर प्लस आर इंटू एल। कोन को अगर हम ऊपर से टॉप से कट कर दें तो हमें फ्रस्टम मिलेगा, इसलिए इसके काफ़ी सारे फॉर्मूलेस रिसेम्बल करते हैं कोन से। देखो कोन का अगर मैं टॉप कट कर दूंगी तो ये दो पीसेस में मुझे मिलेगा, ऊपर वाला कोन रहेगा और नीचे वाला फ्रस्टम रहेगा, तो इसलिए ये इसके फॉर्मूलेस मुझे काफ़ी सारे कोन से रिसेम्बल मिलेंगे, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया ये हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना काफ़ी ईजी है क्योंकि पाई आर, सॉरी पाई एल आर प्लस आर में ऊपर का बेस अगर मैं ऐड कर दूँ दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, और नीचे का ऐड कर दूँ विथ स्मॉलर रेडियस, तो हमें ये टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। इसमें से अगर मैं ये कॉमन निकाल दूँ तो ये बन जाएगा, हमें जब सॉल्व करना होता है तो हम अगर कॉमन निकाल के सॉल्व करते हैं तो बहुत इजी कैलकुलेशंस होते हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में हमें ना केवल फॉर्मूले याद करने हैं परंतु इसका जो कैलकुलेशंस है उसको बहुत इजी तरीके से करना भी आना चाहिए, ठीक है। आई विल गिव यू सम ट्रिक्स टू मेक द कैलकुलेशंस वेरी इजी, ओके। अब ये जो है ये हो गया कर्व सरफेस एरिया एंड दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। अब इसका अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम वुड बी 1/3, जैसे कि कोन में होता है, कोन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे आर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ आर स्क्वायर के बदले कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर एंड उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये इसका वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। इसमें अब एक फार्मूला और याद रखना है हमको, जैसे हमने कोन में स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला था वैसे इसमें भी स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, बड़े में से छोटे रेडियस का इनका जो डिफरेंस रहता है उसका स्क्वायर करना होता है। यहाँ पे ही बस माइनस है, बाकी सब जगह ये रेडियसेस जो हैं होते हैं प्लस होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला। दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रस्टम। अगर हम इसको थोड़ा ध्यान लगा के लर्न करें तो बहुत ही ईजी हो जाता है, कोन के हिसाब से लर्न हो जाएगा। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो यहाँ पे पाई आर आर प्लस आर एल। टोटल सरफेस एरिया अगर हमें कर्व सरफेस एरिया पता है तो हम उसमें दोनों बेसिस ऐड कर लेंगे। वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कोन का, तो फ्रस्टम का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर के बदले हम दिस आर इंटू आर, आर इंटू आर एंड आर इंटू आर एच, और जब स्लांट हाइट फाइंड आउट करना होगा तो एच स्क्वायर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर होता है कोन में,
यहाँ पे दोनों के रेडियसेस का डिफरेंस का स्क्वायर लेना है हमें, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रस्टम। थैंक यू।